आज सुबह ही रंगरू टीम चाय पर चर्चा करने बैठी तो बात कॉलेज की निकल पड़ी और महंगी फीस पर आकर अटक गई। कई किस्से कहानियां शेयर हुए, मामा के बेटे से लेकर छोटे भाई की महंगी पढ़ाई और उसके लिए एजुकेशन लोन कैसे लेना है, ये सवाल जब आया तो हमें लगा कि ये बात हम सिर्फ एक दूसरे से नहीं बल्कि आपसे भी शेयर करना चाहते हैं। तो सोचा आज का रंगरू शो इसी मुद्दे पर करते हैं। एजुकेशन लोन कैसे मिलता है, कितने तक का मिल सकता है और क्या एजुकेशन लोन लेना रिस्की है, इन सारे सवालों के जवाब आज हमने कई सारे एक्सपर्ट से बात कर आपके लिए मांगे हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मानसी, आप देख रहे हैं रंगरूट शो, जहां आज बात होगी आपकी पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन की। सारी जुगत के बाद आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है, एक ऐसा कॉलेज जहां आप पढ़ना चाहते हैं पर उसकी फीस ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे? कई कई बार नाते रिश्तेदारों से मांग जांच कर काम चलाना पड़ता है, लेकिन एक तरीका और भी है और वो है एजुकेशन लोन का। ये बात तब और भी जरूरी हो जाती है जब खबरें इस बात का जिक्र करती हैं कि देश की सरकार बार बार बैंकों को एजुकेशन लोन बांटने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। एजुकेशन लोन 12वीं की पढ़ाई के बाद के खर्चों के लिए दिया जाता है। इसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, लैपटॉप, किताबें और खाने पीने जैसी चीजों और तमाम चीजों से जुड़ी आर्थिक सहायता आपको मिल सकती है, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा या फिर स्किल ट्रेनिंग ही क्यों ना ले रहे हो। आजकल सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक एजुकेशन लोन देते हैं। इसमें सरकारी बैंक से लिए एजुकेशन लोन पर यूजुअली कम इंटरेस्ट रेट लगता है, यानी कम ब्याज दर पर आपको लोन मिल जाता है। एजुकेशन लोन मेनली चार तरह के होते हैं। अंडर ग्रेजुएट लोन, जिसमें 12वीं के बाद पढ़ाई के लिए आपको पैसा मिलता है। करियर एजुकेशन लोन, जिसमें किसी करियर ओरिएंटेड कोर्स की पढ़ाई के लिए पैसा मिलता है। प्रोफेशनल ग्रेजुएट स्टूडेंट लोन, जो पोस्ट ग्रेजुएट पीजी डिप्लोमा या फिर प्रोफेशनल कोर्स के लिए एक लोन होता है। और पेरेंट्स लोन उन पेरेंट्स के लिए होता है जो बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लेना चाहते हैं। इसके लिए को एप्लीकेंट या फिर सह आवेदक की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा एजुकेशन लोन को दो तरह से बांटा गया है, भारतीय कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले कोर्सेज के लिए और विदेशी कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले कोर्सेज के लिए। भारत के प्रीमियम कॉलेज में एडमिशन लेने वाले छात्रों को बैंक स्कॉलर्स की कैटेगरी में रखती है। इन्हें लोन सबसे ज्यादा आसानी और फ्लेक्सिबल नियमों के साथ मिल जाता है। ज्यादातर कोर्स में कोई को एप्लीकेंट या इनकम प्रूफ भी नहीं लगता और छात्रों को सिर्फ कॉलेज के एडमिशन एक्सेप्टेंस लेटर के साथ लोन मिल जाता है। इसमें स्कॉलर्स की ए बी सी और डबल ए कैटेगरी बांटी गई है, तो इन कैटेगरी में क्या क्या होता है बैंक वालों से ही समझते हैं। अलग से होती है, जो भी देश के एलीट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन सिक्योर करते हैं उनको स्कॉलर लोन दिया जाता है। ये स्कॉलर लिस्ट चार भागों में डिवाइडेड है, अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे कि डबल ए कैटेगरी हो गया, ए बी एन सी कैटेगरी। अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग लिमिट्स होती हैं। डबल ए में जो भी इंस्टीट्यूट आते हैं उनमें जो है विद्यार्थियों को 40 लाख तक बिना किसी सिक्योरिटी के लोन दिया जाता है। कैटेगरी बी और सी के छात्रों को 20 लाख तक बिना किसी सिक्योरिटी के लोन दिया जाता है और कैटेगरी सी के स्टूडेंट्स को 7.5 लाख बिना किसी सिक्योरिटी के लोन प्राप्त कर सकते हैं। लोन लेने के लिए सबसे पहले आप अपने कोर्स में लगने वाली फीस, रहने खाने का खर्च, किताबें, लैपटॉप, सबका अंदाजन खर्चा लिखें और पूरी पढ़ाई में होने वाले कुल खर्च का एक एस्टिमेट तैयार कर लें, ताकि आपको ये पता रहे कि आपको कितने का लोन लेना है। इसके बाद अलग अलग बैंकों में लोन की स्कीम, इंटरेस्ट रेट, रकम वापस करने का समय और आपकी लोन राशि पर कोलैटरल लगेगा या फिर नहीं, और लगेगा तो कितना लगेगा ये पता करें। हर बैंक की स्कीम को कंपेयर कर जो आपको सबसे भरोसेमंद और फायदेमंद स्कीम लगे उसे चुनें। एजुकेशन लोन के लिए सबसे पहले आपको विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद आप अपने पास की बैंक और ब्रांच सिलेक्ट करते हैं, जिसके बाद आप विजिट करते हो ब्रांच को, वहां पे जो भी आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसकी जानकारी दे दी जाएगी। इस तरीके से आपका एजुकेशन लोन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसके बाद बैंक में जो लोन सहायक होंगे वो आपको कुछ फॉर्म देंगे जो लोन अप्लाई करने के लिए आपको भरने होंगे। इसमें आपकी बेसिक जानकारी होगी। इस फॉर्म के साथ आपको बैंक को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो और 10th 12th से लेकर के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि लोन लेने तक की सभी मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी सबमिट करनी होगी।
आप जिस कोर्स और कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उसकी पूरी डिटेल, पेरेंट का इनकम प्रूफ और बैंक पासबुक भी आपसे मांगी जा सकती है। पर आप जहां भी अप्लाई कर रहे हो, जहां से भी लोन ले रहे हो, वहां से एक बार पता कर लें कि उन्हें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि ये बैंक दर बैंक थोड़ा बहुत वैरी कर सकते हैं। और हाँ, लोन सिर्फ इंडियन सिटीजंस को ही दिया जाता है। इसके लिए ज्यादातर बैंकों ने छात्रों की एज लिमिट 16 से 35 वर्ष के बीच रखी है। लोन लेते वक्त आप ये 5 बातें जरूर पूछ लें। कितना कोलैटरल लगेगा, कितने परसेंट इंटरेस्ट लगेगा, प्रोसेसिंग फीस, प्रीपेमेंट, लेट फीस कितनी है, कोर्स खत्म होने के बाद कितने समय बाद लोन की किश्तें शुरू होंगी और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। बैंकर सौरभ बताते हैं कि भारत में पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, वहीं मेडिकल कोर्सेज के लिए ये लिमिट 30 लाख रुपए तक की है, वहीं विदेश में पढ़ाई के लिए लगभग 1.5 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। भारत में पढ़ाई करेंगे तो 7.5 लाख तक के लोन पर आपका कोलैटरल नहीं लगेगा। कोलैटरल माने कोई लिक्विड या फिर इनलिक्विड फंड, जो ज्यादातर लोन के अमाउंट से 110% से लेकर 135% के बीच होता है। माने अगर आपने 1 साल के कोर्स के लिए 10 लाख का लोन लिया है, जिस पर 1 साल में 10% इंटरेस्ट लगा, तो ये कुल राशि 11 लाख की हो जाएगी। अब इस पर आपको 13,75,000 का कोलैटरल रखना होगा। ये ज्यादातर कोई प्रॉपर्टी जैसे कि घर या फिर जमीन होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये डिफर करता है एक बैंक से दूसरे बैंक में, लेकिन अक्सर ये 8% से 10% के आसपास होता है। और साथ ही यदि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज से ये एजुकेशन लोन लिया जा रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और भी अधिक हो सकता है। ये एजुकेशन लोन सिक्योर्ड लोन या अनसिक्योर्ड लोन के रूप में लिया जा सकता है। अक्सर 4 लाख रुपए तक अनसिक्योर्ड लोन के रूप में दिए जा सकते हैं, यानी कि विदाउट एनी कोलेट्रल। और यदि 4 लाख से अधिक और 7.5 लाख तक का यदि लोन लिया जा रहा है तो इस केस में गारंटर की जरूरत पड़ सकती है। और 7.5 लाख से ऊपर यदि आपको लोन चाहिए तो उस केस में अक्सर बैंक्स आपसे कोलैटरल की डिमांड करेंगे। वहीं विदेशों में पढ़ाई करनी है तो आपको बिना कोलैटरल के लोन मिल ही नहीं सकता। एजुकेशन लोन चुकाने की प्रक्रिया ज्यादातर नौकरी लगने के 6 महीने बाद या फिर कोर्स खत्म होने के 1 साल बाद शुरू होती है। इस समय को मोरेटोरियम पीरियड कहते हैं। इसके बाद आपके पास लोन चुकाने के लिए 15 साल का समय होता है। कई बार लोग एजुकेशन लोन लेने से डरते हैं। ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों के लिए अपना घर गिरवी रखना काफी बड़ी बात होती है, और एक तरफ ये डर भी रहता है कि कहीं बच्चा या फिर वो खुद लोन का पैसा नहीं दे पाए तो फिर क्या होगा। कई लोग ये सोचते हैं कि लोन लिया तो ज्यादा पैसा भी देना पड़ेगा, पर लोन लेने के कई फायदे भी हैं। इसमें आपको एक अच्छा खासा अमाउंट एक साथ मिल जाता है, जिससे आपके बच्चे की पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आती। मेहनत कर बच्चा किसी प्रीमियम कॉलेज में गया तब तो बिना कोलैटरल, बिना किसी को एप्लीकेंट के भी लोन मिल जाएगा। ऐसा ना भी हो तो भी बैंक आपको अपने हिसाब से किश्तें चुनने का मौका देती है, यानी नौकरी लगने के बाद आप अपनी सैलरी के हिसाब से अपनी किश्त डिसाइड कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, आपको 8 साल तक इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80E के तहत एजुकेशन लोन के लिए चुकाए गए ब्याज पर टैक्स डिडक्शन का लाभ भी मिलता है, यानी आपके इंटरेस्ट पर दी गई सारी रकम पर आप टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। जो कोर्स की अवधि है वो, और उसके बाद आपको 6 महीने से लेकर 1 ईयर का टाइम मिलता है रिपेमेंट स्टार्ट करने के लिए। और जब EMI स्टार्ट होती है उसके बाद 8 ईयर्स के अंदर आपको ये लोन रिपे करना होता है। और इन 8 सालों में आप जो भी इंटरेस्ट पे करते हैं उस पर आपको टैक्स में छूट मिलती है। इस सब के अलावा सरकार भी लगातार छात्रों के लिए एजुकेशन लोन लेने की प्रोसेस को आसान करने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में 6 जून 2022 को पीएम मोदी ने जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया, जहां तमाम तरह के लोन लेने के लिए आपको सहायता मिलेगी। इस पोर्टल के जरिए सरकार ने अलग अलग सरकारी योजनाओं को एक जगह लाने की कोशिश की है। जन समर्थ पोर्टल पर लोन के लिए आवेदन की प्रक्रिया को आसानी से ऑनलाइन ही पूरा किया जा सकता है। इसके बाद आप आवेदन के स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड कोई समस्या आ रही है तो ग्रीवांस सेक्शन में जाकर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। पोर्टल का दावा है कि शिकायत दर्ज कराने के 3 दिनों में समस्या का समाधान किया जाएगा। अभी इस पोर्टल से बैंक समेत 125 से ज्यादा वित्तीय संस्थाएं जुड़ी हुई हैं जो लोन दे सकती हैं। आज रंगरूट शो में फिलहाल इतना ही। ये शो आपको कैसा लगा, कितना हेल्पफुल लगा, हमें कमेंट्स में बताइएगा। और हाँ, रंगरूट के सोशल मीडिया पेजेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए रंगरूट।